नरेंद्र मोदी जी की गारंटियों पर बीजेपी कहती है कि हमें वोट मिला है, तो सवाल ये है कि मोदी जी की गारंटी और मोदी जी का कौन सा ऐसा मॉडल है जिसमें हर जगह पर पहले आप सिस्टम को, प्रशासन को, लोगों को टारगेट करेंगे, अपनी चलाएंगे, अपनी एक तरह से दादागिरी स्थापित करने का काम करेंगे, और जब पलट करके आपसे कोई सवाल पूछ ले तो जय श्री राम का नारा लगा देंगे, भारत माता की जय का नारा लगा देंगे। मतलब कि कोई आपके रास्ते पर चलेगा जबकि आपका रास्ता वो सीधे तौर पर दिख रहा है कि संवैधानिक तौर पर वो ठीक नहीं है, लेकिन अगर कोई उस रास्ते पर नहीं चलेगा तो आप दबाने का काम करेंगे, और वो भी ऐसे धार्मिक नारों का जो कि करोड़ों लोगों की आस्था की विषय है, ऐसे धार्मिक नारों का आप अपने लिए ढाल की तरह से इस्तेमाल करेंगे। एक दो नहीं, मैं आपको कई वीडियो दिखाता हूं। राजस्थान में भी सरकार नहीं बनी है, लेकिन सरकार बनने से पहले कई ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं, और ये अलग अलग जगह के हैं। इसीलिए सवाल खड़ा होता है कि क्या मोदी जी का मॉडल यही है, क्या इसी मॉडल के सहारे मोदी जी वो अपने आप को, अपने नेताओं को वो स्थापित करना चाह रहे हैं। मैं आपको कई वीडियो दिखाता हूं। एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं कोटा का, वहां पर भी हिंदू मुसलमान की बात, और हिंदू मुसलमान के नाम पर कैसे टारगेट करना है, कैसे नहीं करना है, ये सब बातें हो रही है। और इसके साथ में एक वीडियो मैं आपको सरदारपुरा का दिखाऊंगा, जोधपुर का, और एक बाल मुकुंद आचार्य का। और सबसे पहले बाल मुकुंद आचार्य से ही शुरुआत करता हूं। बाल मुकुंद आचार्य का एक वीडियो अभी अभी सामने आया है, और ये वीडियो वायरल हो रहा है, ये वीडियो वायरल हो रहा है, और ये वायरल वीडियो अपने आप में क्या कहता है इसको जरा समझिए, इसको समझिए, और इसके साथ साथ इस बात को भी समझिए कि किस तरह की राजनीति अब राजस्थान के अंदर होगी, और ये क्या राजस्थान में जिस तरह की राजनीति हो रही है ये कहीं से मोदी मॉडल की छाप दिखाई दे रही है, ये भी समझेंगे। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, बाल मुकुंद आचार्य दरोगा से भिड़ रहे हैं, और दरोगा की हिम्मत की दाद देनी होगी। दरोगा वहां पर इतने लोगों के बीच में भी अपनी ड्यूटी निभाते हुए नजर आ रहे हैं, वरना आमतौर पर ऐसे में कोई भी अधिकारी हो, जब भी इस तरह का माहौल हो तो उसमें छोड़ देता है वो सोचता है कि चलो जाने दो, कौन इनसे पीछा करेगा, लेकिन यार दरोगा डट गया। सुनिए जरा, ये किस बहन में आई है? मैनर से नहीं है, मैं कह रहा हूँ रिपोर्ट शिकायत दर्ज करी है, मना जा रहे हैं आप, संत का अपमान कर रहे हो। अरे रुक जा भाई, नहीं संत नहीं कर रहे भैया, अरे रुक जा, शांत रह, आप सारे अरे सारे रिपोर्ट दो, आप कोई बात नहीं फालतू की, इधर हो जाओ फालतू। मैं कह रहा हूँ आपने कहा देंगे तो मैंने कहा दे दो, लिख के देंगे ना आपको अंदर, देखो आके दादा के। अब कमाल की बात यह है कि दरोगा थाने में पहुंचता है, और थाने पहुंच करके हंगामा खड़ा कर देता है, और ये कहता है कि रिपोर्ट दर्ज करो, और वहां पर एसएचओ दिखा रहा है कि रिपोर्ट में कुछ है ही नहीं, खाली पन्ना है, और उसके बाद में जब एसएचओ इनको घेरता है तो ये जयकारे शुरू कर देते हैं, भारत माता की जय। कमाल की बात ये है कि ऐसे आप लोग जो है वो जब 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 फंसते हैं तो क्यों खामखा धर्म के नारे को बीच में ले आते हैं,
और ये वही है जो अभी दो रोज पहले जिनकी वीडियो वायरल हुई थी। अब इस वीडियो को लेकर के जरा ये जी न्यूज की खबर देखिए, आप जी न्यूज की खबर देखिए और जी न्यूज की खबर क्या कहती है। जी न्यूज की खबर ये बता रही है कि ये जो है वीडियो वायरल हो रही है, हालांकि इसमें यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि वीडियो अभी का है या इसके बनने से पहले का है, विधायक बनने से पहले का है, यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जी न्यूज ने भी इस वीडियो को शेयर किया कि नवनिर्वाचित विधायक बालमुकुंद आचार्य सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जहां वो मीट की दुकानें बंद करते हुए दिखाई दिए थे। इसके बाद में उनके तीखे तेवर का सिलसिला शुरू हुआ, लगातार बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है जहां वो पुलिस से बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं इस बात को स्पष्ट नहीं कर सकता कि अभी का है कि कब का, लेकिन जी न्यूज ने भी इसको नहीं लिखा है, लेकिन मैंने पहले कभी ये वीडियो देखा नहीं था, संभव तो हो सकता है कि अभी का। अब आप ये बताइए कि यही व्यक्ति चार दिन पहले जब मीट की दुकानें बंद कराते हुए नजर आए थे और उसके बाद में पता नहीं इनको कहां से डांट फटकार लगी, तब इनके सामने कुछ मुस्लिम महिला नेता वो निकल करके सामने आती है और वो कहती है कि ये मुसलमानों के साथ में दोगलापंथी कोई नहीं करेगा, मुसलमानों के साथ कोई दोगलापंथी नहीं होगी और हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। तभी चुप रहे थे वहां पर, चुपचाप पीछे खड़े हुए सुनते रहे बातों को, सुनाऊंगा मैं आपको। इसके साथ साथ इससे पहले मैं आपको सुनाता हूं कि सरदारपुरा के अंदर जोधपुर में मुख्यमंत्री के सामने, सरदार अशोक गहलोत के सामने जिनको कैंडिडेट बनाया गया, महेंद्र राठौड़ प्रोफेसर है ये, और प्रोफेसर इंजीनियर को फोन कर रहे हैं और फोन करने का स्टाइल आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि सामने वाले आदमी को बोलने ही नहीं दे रहे, बस केवल पता है कि हाँ वीडियो बन रही है, वीडियो बनवानी है और जबरदस्त तरीके से धमकाना है। और उसके बाद में कह रहा है कि तुमने बहुत नमाजें पढ़ ली हैं, बहुत नमाजें तुम पढ़ चुके हो और अब नंबर सेव कर लेना मेरा। इस तरह की बातें कही जा रही है, सुनिए जरा एक बार। मिस्टर चारण, ये नंबर नोट कर लेना, मैं बोल रहा हूं प्रोफेसर महेंद्र राठौड़, और न केवल मेरा, सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र के हर कार्यकर्ता का टेलीफोन उठा लेना। ये जो कान में रुएं डाल रखी है ना कांग्रेस रूपी, और जिस प्रकार का यहां चीफ इंजीनियर बनने के बाद में बांट बांट के राम मंदिरों के अंदर और जागरणों के अंदर लाइटें काटी है, और एक वर्ग को संतुष्ट करने के हिसाब से आपने जो काम किया है ना, भ्रम में मत रहना। हूं से कुछ नहीं होता है, ध्यान रखना ये चीज का बिल्कुल। और आपने जो भी काम किया है ये मत समझ लेना कि यहां से ट्रांसफर की धमकी होती है, ट्रांसफर की धमकी नहीं होती है। नौकरी लगे हो तब से लेके अभी तक जो संपत्ति अर्जित की है, जो धन संग्रह किया है यहां के, और अधिकारियों को जो खुश करने का प्रयास किया है, अब सरदारपुरा के अंदर राजधर्म का पालन होगा और नीचे संबंधित अधिकारियों को सब स्टेशनों से लेकर जेलों तक निर्देश दे देना, किसी भी प्रकार की शिकवा शिकायत आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ना ध्यान रखो कि वो ठीक है आप कह रहे हो, ध्यान रखा होता तो ये तीन साल के अंदर ये चीजें हो जाती। आप फोन नहीं उठाते किसी आदमी का, जनप्रतिनिधि का, और सारे उन लोगों के ऑफिसों के अंदर बैठ रहते हो, इनके रिश्तेदारों के ऑफिसों में बैठ रहते हो, और ये कोई कांग्रेस की नेता आपको लेते क्या? आपको सिलेक्ट किया है पब्लिक सर्विस कमीशन ने डिस्कॉम के लिए, हाँ आज याद आ रहा सही है, और सारे सुबह शाम तक जो आपने नमाजें पढ़ी है ना, ये इनके रिश्तेदारों के कार्यालय में जाकर के बैठ बैठ के बहुत दे दिया आप लोगों ने, ये खेतालाड़ी के अंदर लाइट में। अब मदेना कॉलोनी हो चाहे दूर दराज का आपका जो चीफ इंजीनियर की पैराफेर लगती हो, स्पेशल इंस्ट्रक्शन पास हो जाना चाहिए, और हृदय के अंदर लिख लेना प्रोफेसर महेंद्र राठौड़। ये तो अब सवाल ये है कि ये सरदारपुरा के अंदर क्या इसी बात के लिए चुनाव लड़ रहे थे? वहां पर स्पेसिफिक इलाकों का नाम लेकर के कह रहे हैं, इलाकों का नाम लेकर के बता रहे हैं कि साहब इस इलाके के अंदर तुमने बहुत लाइट दी है, बहुत नमाजें पढ़ी है। ये कमाल का मॉडल है साहब। इसके बाद में एक और सुनिए,
कोटा से अभी जो है विधायक बनकर के आए और एक कोटा से, और वो कह रहे हैं कि स्पेसिफिक तरीके से आपको नॉनवेज वाली दुकानों को टारगेट करना। एक बार जरा इनको भी सुनिए। अटैच नहीं हो उसके चक्कर में ऐसा नहीं हो कि वो दूसरे वालों को टच करें, दूसरे वालों को टच नहीं करना, अपन को सिर्फ मीट की दुकानों को करना है। हर किसी को जाके अपन उड़ने लग जाए वो नहीं करना, नहीं तो फिर वो गलत जाए। सिर्फ पॉइंटेड करके मीट की दुकानें ही ये अपन को ध्यान से ध्यान रखना, और जिसके पास लाइसेंस भी है उनको तुरंत लाइसेंस तो बंद तुरंत हटाना। तो कुल मिलाकर के अब यही मॉडल दिखेगा, कुल मिलाकर के इसी पर बात होगी, क्योंकि यही तो सबसे बड़ी गारंटी थी, यही तो सबसे बड़ी चीज थी जिसको लेकर के लोगों ने वोट दिया है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ है, लेकिन खैर अब जो चीजें हैं वो हमारे सामने हैं। इसके बाद में एक मैं फिर से वीडियो आपको सुनवाता हूं, दो तीन दिन पहले जो वीडियो आया था, तो जरा मानसिकता को समझने की कोशिश कीजिए। नहीं, मानसिकता क्या है जो इस ओर ठेलती है, उस धार्मिक व्यक्ति को ये कहने के लिए मजबूर कर देती है कि बाबा नहीं बवाल है, आंखें मत दिखाना। क्या है ये, हमने कभी ऐसे देखा नहीं। सुनिए जरा एक बार। और लाइसेंस के पास है नहीं, एक के पास है क्या लाइसेंस? क्या लाइसेंस लाओ लो दे। सुनो उसमें कोताही मत बरतना, दिमाग से निकाल देना, मैं मिठाई खाने वाला नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ 1% गलती कर दिए, आरोप आप पे आएगा, दिमाग से बिल्कुल निकालना, मिठाई नहीं खाऊंगा मैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा। आप तो लाइसेंस पूछ लो और 25 फीट का कब्जा जो कराया उसके बारे में पूछ लो। 40 फुट का कब्जा। एक के पास भी लाइसेंस नहीं है, एक के पास भी यार। टूरिस्ट आएगा कैसे, टूरिस्ट आएगा कैसे, यहाँ गंद मचा रखी है। कराची बनाना चाहते हो, ये अपरा काशी है, गौ माता का मांस बेच रहे, कच्चा पक्का गौ माता का, गौ माता का। अब सवाल सीधा सा ये है कि वाकई ये चिंता कर रहे हैं टूरिस्ट के बारे में, चिंता कर रहे हैं जयपुर के टूरिस्टों के बारे में, चिंता है राजस्थान का पर्यटक बढ़े इस बात की चिंता है, या अपने लिए किस तरह से और लोगों के मन में वो जो एक कट्टर छवि जो है उसको और पुख्ता करने की चिंता है, उनको चिंता किस बात की है। और ये लोग कैसे कैसे बोल देते हैं भवानी बवाल है, हैरान हूं मैं तो ये सोच करके। और फिर पता नहीं इनको कहां से दिशा निर्देश आया, ये माफी मांगने लग गए। सुनिए जरा एक बार। काम देखते हो सब, आपको मैं निवेदन करता हूं कि आप इसकी जांच करें। मैंने ये बात बोली, अगर इस बात से किसी को बुरा लगा तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं, किसी भी वर्ग विशेष किसी के लिए नहीं। मैंने कहा ये पूरा परिवार है हमारा, हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को लेकर काम कर रहे हैं, हम लोग सबका साथ चाहते हैं, सबका विश्वास जीतना चाहते हैं, और सामूहिक रूप से भाजपा परिवार सबका विकास चाहती है। आम नागरिक होने के नाते आपके आपका डिपार्टमेंट है, अधिकारी हुआ आप, इस डिपार्टमेंट का काम देखते हो सब, आपको मैं निवेदन करता हूं कि अचानक से फिर इनके तेवर 360 डिग्री बदल जाते हैं। अचानक से ये लोग जो है फिर वही जिनके लिए बोल रहे थे उन्हीं को ढाल बना करके उन्हीं से गारंटी दिलवाते हैं कि कोई दोगलापन नहीं होगा, किसी प्रकार का दोगलापन नहीं होगा।
ये आखिरकार क्या है? कुछ टाइम पहले आप कुछ और बोलते हैं, पता नहीं फिर आपको किसका फोन आया या क्या हुआ, फिर आप कुछ देर बाद और कुछ बोलने लगे। ये कौन सा मॉडल है? समझने वाली बात ये है, मॉडल कौन सा है, किस तरह की चीज स्थापित करने की कोशिश हो रही है? क्या इसी तरह से विश्वगुरु बनाने की बातें होती हैं? क्या इसी मॉडल की बात होती है? क्या इसी यही मॉडल के लिए गारंटियां दी गई है? दुख होता है, दुख होता है निश्चित तौर पर, जब इतनी बड़ी सरकार बनी और वो इस तरह के कामों में लगे। लोगों ने जनादेश इसलिए दिया था क्या? सोचिए, शेयर कीजिए ताकि कुछ लोगों की आंखें खुले। और आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए।